है बट सिनेमेटिक में स्टक हो गया है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो अभी तक किसी कंपनी के पास नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक 14 प्रो मैक्स है, ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हो। ओके, 14 प्रो मैक्स है और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका किसी ने फ्रंट कैमरा चेंज कर दिया है। तो पहले तो क्या होता था कि खाली जो इनक्रिप्टेड था वो बैक कैमरा और बैटरी, यही सब इनक्रिप्टेड था। आप देखिए पूरा कैमरा एकदम मुँह के चल रहा है, चाहे हम 0.5 करें, 1x करें, 2x करें, 3x करें, पूरा कंप्लीट चल रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सिनेमैटिक मोड में जाएंगे, अब देखो ये कैमरा अटक गया, मेरा हाथ हट चुका है, लेकिन सिनेमैटिक में हमारा जो कैमरा है वो अटक गया है। ठीक है, फिर से फोटो पे आता हूँ मैं, और क्योंकि इसका किसी ने फ्रंट कैमरा चेंज किया है फिर भी बैक इसका स्टक हो रहा है। अभी जैसे ही मैं फ्रंट करूँगा तो देखिए फ्रंट एकदम कम्प्लीट चल रहा है, लेकिन जैसे ही सिनेमैटिक में जाएंगे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो जो रिकॉर्डिंग है वो सेकेंड्स तो चल रहा है, सेकेंड नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग के ओके करने के बाद भी सेकेंड्स नहीं रन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम है और इसका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताते हैं। देखिए रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कस्टमर की फ़ोटो नहीं दिखा सकते तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, बट अगर फ़ोटो आप क्लिक करो तो क्लिक हो रहा है, देखिए फ़ोटो क्लिक हो चुका है। ओके, तो इसका प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि देखो सिनेमैटिक में ये स्टक हो गया। जैसे अभी मैं वीडियो कर रहा हूँ चल रहा है एकदम, अभी सिनेमैटिक जैसे ही करूँगा ये स्टक हो गया, देखिए मेरा हाथ हटा लिया है बट सिनेमैटिक में स्टक हो गया है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो अभी तक किसी कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन अभी तक किसी कंपनी ने नहीं किया है, तो फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट कंपनी जो है वो लुबान है, यानी एलवी टूल जिसको बोलते हैं, लुबान का L3 करके ये बॉक्स आता है, इसी ने सबसे पहले जो है इसका सॉल्यूशन निकाला है। और इंडिया में भी अभी तक ये काम किसी ने नहीं किया है, या किया होगा तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो ये बॉक्स है जिसमें कि इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये ऑन होगा अभी, और इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो एक ये कैमरे की जो कैमरा बोर्ड आता है वो चाहिए, और एक ऐसा पत्ता चाहिए जिसमें कि हम ओल्ड कैमरे का डेटा राइट करेंगे। देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस मैं आपको करके लाइव दिखाऊंगा। ओके, ये नया कैमरा जो होता है उसके क्योंकि वो कैमरा जो होता है पूरा सेट होता है, उसमें फेस आईडी और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने उसका कैन कट करके फ्रंट कैमरा बाहर निकाल लिया, इसको स्टैंड में फंसा दिया है, और इसके ऊपर एक शील्ड होती है, उस पर आयरन रख के आप स्क्रैपल टूल डालेंगे तो बहुत ईजी में वो निकल जाएगा, और उसको संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है आपने। ओके, ये जो कैमरे का फ्लेक्स है जो कैमरे पर बाउंड किया गया है, लिक्विड बोर्डिंग होती है ये, अभी आप देखिए बस हल्का हल्का आयरन लगा के पुश नहीं करना बिकॉज नीचे ग्लास होता है। ओके, तो पुश नहीं करना नहीं तो ग्लास ब्रेक हो जाएगा, कैमरा ख़राब हो जाएगा। तो अपन इसको स्क्रैच कर लेंगे, और अगर स्क्रैच नहीं किया इसको तो क्या होगा, आपको सोल्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इसको ऐसे स्क्रैच करना है और इसके बाद इस पर आपको सोल्ड करना है, सेम जो हमारा नया फ्लेक्स जिसमें हम डेटा बाउंड करने वाले हैं उसमें भी हमें सेम ऐसे ही करना होगा और सोल्डिंग करनी होगी आयरन से। ओके, तो अभी इसका जो रीज़न है और इसका जो प्रॉब्लम है ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एप्पल है उसने आईफोन 14 सीरीज़ में और आईफोन 15 सीरीज़ में, और मुझे लगता है जो अभी आईफोन 16 या जो भी सीरीज़ आएगी उसमें यही होगा कि अगर आपका फ्रंट कैमरा ख़राब हो गया गिरने की वजह से, बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हम तो रोज़ यहाँ पर रिपेयर करते हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि मतलब कैमरा इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है, बस ऐसे ड्रॉप हुआ और थोड़ा भी कैमरे की साइड से ड्रॉप हुआ तो जो फ्रंट कैमरा है वो ख़राब हो जाता है। तो पहले तो बहुत इजी था, सीधा कैमरा लो और लगा दो और काम हो गया। अभी क्या हो रहा है कि इसने फ्रंट कैमरे को भी पेयर कर दिया है, पेयर करने का मतलब आप समझ गए होंगे अगर आप टेक्नीशियन हो तो, कि इसने फ़ोन के साथ फ्रंट कैमरे को लिंक कर दिया है, जैसे लाइडर सेंसर लिंक कर दिया, कैमरा लिंक कर दिया, अगर कैमरा चेंज करो तो कैमरा मैसेज आ जाता है, और बैटरी चेंज करो तो बैटरी मैसेज आ जाता है, डिस्प्ले चेंज करो डिस्प्ले मैसेज आ जाता है, लैडर चेंज कर दो तो कैमरा स्टक होने लगता है। सेम ऐसे ही फ्रंट कैमरा अगर आप चेंज कर दोगे तो फ्रंट कैमरे में सिनेमैटिक मोड में रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, फोकस भी नहीं करेगा, और दूसरा बैक कैमरा में सिनेमैटिक मोड नहीं चलेगा और अटक अटक के कैमरा चलेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल वीडियो जो हमने शूट किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था,
अभी ये जो है ये नया फ्लेक्स है एलबी टूल का, इसको भी हम लोग कलर कर ले रहे हैं। कलर करने का मतलब आप समझ गए होगे टेक्नीशियन हो तो, कि हम लोग इसको लेट लगा के और सोल्ड कर दे रहे हैं, जिससे कि आराम से जो कैमरा है उसके ऊपर सोल्ड हो जाए। ओके, तो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको है ना इसमें दो ही तीन चीज़ का प्रिकॉशन लेना है जब आप इसको कट करते हो कैन से निकालने के लिए, यानी कि जब आप फेस आईडी से कैमरे को बाहर निकालते हो उस टाइम आपको बहुत देखना है कि आपकी ड्रिल कहीं मिस ना हो जाए, और या फेस आईडी का जो सेंसर है वो आपके हाथ से ज़्यादा दब ना जाए। मतलब कुछ भी, कुल मिला के मेरा ओवरऑल कहना ये है कि आपको जब भी कैन से आउट करना है कैमरा, चाहे वो नए कैन से आउट कर रहे हो चाहे या पुराने कैन से आउट कर रहे हो, तो आपको है ना बहुत ही प्रिकॉशन करना है, क्योंकि उसी टाइम पे जो गलती होगी होगी, ये काम में आपको कोई गलती नहीं होगी। अगर आपने नोकिया में पुराने मॉडलों में C1 C2 का डिस्प्ले लगाया है या 1100 में डिस्प्ले लगाया है, तो ये आपके लिए कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम ईजी है और कोई भी कर सकता है। और दूसरी एक बात और बतानी थी कि अगर तो आपका कैमरा, अगर आप जैसे ही LB टूल में कनेक्ट करते हो और वहाँ फ्रंट कैमरे का सीरियल नंबर आ रहा है तो आप बैकअप कर सकते हो, मतलब इसका डेटा बैकअप कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा कि सलाऊ के थ्रू अनबाइंड करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बताई हुई है, शायद आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, तो ये वीडियो पे जाके आप देख सकते हो कि अनबाइंड कैसे होगा अगर आपका फ्रंट कैमरा ख़राब है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया लुबान टूल में और इसको राइट बैकअप दे दिया है, तो राइट बैकअप देते ही देखिए प्रोग्रेस चलने लगा। अगर तो आपका कैमरा सही से लगा नहीं होगा तो योर कैमरा इज़ नॉट फ्यूज्ड लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ, फिर से मैंने रिसोल्ड किया है और अभी रिसोल्ड पे ये ओके हो चुका है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने सारी प्रोसेस देख ली, अभी हम देखते हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं सिनेमैटिक मोड में जा रहा हूँ और ये मेरा हाथ है और ये चल रहा है, ठीक है। जैसे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, पहले रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या था कि जो फ्रंट कैमरा है उसमें भी सिनेमैटिक मोड नहीं चल रहा था, अभी चल रहा है। ओके, तो और रिकॉर्डिंग करेंगे तो अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका फेस आईडी वर्किंग है कि नहीं है, तो अभी फेस आईडी देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ये अभी फिटिंग नहीं किया गया है इसीलिए ये ऐसे थोड़ा लेट से ले रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख सकते हो फेस आईडी वर्किंग है। ओके, ये देखिए ये चल रहा है और सारा कैमरा वैमरा सब कुछ चल रहा है, चाहे वो सिनेमैटिक हो चाहे जो, अभी अटक नहीं रहा है, पहले अटक रहा था। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।